नमस्कार, मैं रवि तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट फॉर आलोक में। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली है क्योंकि मैं बहुत स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा हूं। परीक्षा की तारीख को लेकर आपके अंदर जितना संशय था तो मुझे लगा कि जो है अस्वस्थ होते हुए भी एक बार आपके सामने आना चाहिए और चीज़ों को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहिए। तो आवाज़ थोड़ी सी पैनिक है, क्षमा करिएगा, लेकिन बात को ध्यान से सुनिएगा। जो हम लोगों ने आकलन किया था वो बिल्कुल सटीक निकला। जब मैंने जो है पहला वीडियो बनाया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर 3 को पेपर है, आप लोग 20 दिन 25 दिन 15 दिन आप कैलकुलेशन सही करिए, 17 तारीख को आप कैसे बैच ला सकते हैं, और तमाम तरह की बातें जो है आपके द्वारा की गई। हमने सहर्ष से सारी बातों को स्वीकार किया, कुछ लोगों को हमने कमेंट बॉक्स में जवाब भी दिए। देखिए, जब इतने बड़े मंच से हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं कहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी आपसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप हमको सुनते हैं, आप हमको मानते हैं, आप हमको देखते हैं। हम कोई भी तथ्य बिना जानकारी के नहीं कहते, लेकिन कई सरकारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम स्पष्ट नहीं कह सकते। हमारा रिसर्च आपसे ज़्यादा अच्छा है, हमारी कनेक्टिविटी आपसे ज़्यादा बेहतर है, हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता कर लेते हैं। इसी बिना पे हम लोग एक बैच लाए थे जूनियर असिस्टेंट का, मैराथन बैच 17 तारीख को, और बहुत अच्छे से वो बैच संचालित हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम था कि जितना हमें समय चाहिए वो समय हमें मिलेगा। एक दिन उस बैच में केवल दिवाली की छुट्टी हुई है और वह बैच अनवरत जारी है। उस बैच में केवल उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए जरूरी है। तो हमारा जो आकलन था और आपका हमारे ऊपर जो विश्वास और भरोसा था कि आपने प्रवेश लिया, वो दोनों सही निकले, और जो भी सदस्य उस बैच में पढ़ रहे हैं वो उससे पूरी तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। एक सारगर्भित सामग्री उन लोगों को मिल रही है जूनियर असिस्टेंट के पेपर के लिए। अलग अलग तरह के कमेंट आप लोगों के लगातार आते रहते हैं, कई लोग कई तरह के कमेंट करते हैं। खैर, मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं अपना कार्य करने पर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। हमारी पूरी टीम ने जिस तरीके से पिछले 12 दिन जूनियर असिस्टेंट बैच के साथ मेहनत की है, जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे इसको देख रहे हैं वो स्वयं कमेंट करके बता सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो नोट्स के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, बेहतर तैयारी के माध्यम से चल रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है, 3 नवंबर को परीक्षा नहीं होने जा रही है और संभावित जो परीक्षा की तिथि है वो 30 नवंबर है, जिसके आयोग में बात चल रही है। लगभग अभी भी अगर आपके पास देखें तो पर्याप्त समय है। इस पर्याप्त समय में, अंतिम समय में, जैसे कि हम लोगों ने लिखा है, जो भी समय है वो कीमती है और पर्याप्त है। अभी भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ा है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप घर बैठे ही पढ़ाई करना चाहें आप घर बैठे ही पढ़ाई करिए, कोचिंग ज्वाइन मत करिए, लेकिन घर बैठे जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ सिलेक्टेड नोट्स चाहिए, कुछ अच्छी किताबें चाहिए, एक अच्छी रणनीति चाहिए। ये सब अगर आपकी क्षमता हो तो आपके पास अभी भी इतना समय है कि आप घर बैठे बहुत अच्छी तरह से जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस बहुत छोटा है, जिसमें गणित तो अंग्रेजी नहीं है। क्लियर? हमारी संस्था में लगातार जैसे हम लोग जो बैच चला रहे हैं, ठीक है, कम समय में बेहतर तैयारी, जैसे इकोनॉमी 12 क्लास में खत्म किया गया, क्लियर, पॉलिटी हिस्ट्री के लिए 15-15 क्लास का समय लिया गया कि 15 क्लासेज में सारे बैच कवर करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए 12 घंटे का समय लिया गया। लगभग एक पूरा दौड़ा जाए तो 130-140 घंटे का एक प्रोग्राम लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें लगभग चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, और तय समय पर अगर अभी भी आप जो है इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। आपके पास अभी भी इतना समय है कि आप आराम से कर सकते हैं। लगातार आपके संदेश आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर कैसे क्या होगा, अभी क्या डेट है, तो मान के चलिए कि अभी भी आपके पास 15 से 20 दिन का समय आराम से मिलेगा। जो हमारे बैच के सदस्य हैं वो लगातार लाभान्वित हो ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी अभी इतना समय है जितनी आपकी ज़रूरत है, और उतने समय में आप चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बैच में कुछ क्लासेज अभी हमारी हुई हैं, आप उन क्लासेज को पढ़ सकते हैं। रिवीजन अभी हुआ नहीं, प्रैक्टिस सेट अभी शुरू होने वाले हैं, तो आप उनको लगातार जो है रिवीजन और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्लासेज को पढ़ के अभी भी एक बेहतर और कॉम्पैक्ट तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सोचें, बेहतर सोचें, तो हम पहले भी आपसे कहे थे, जिन लोगों ने उस समय निर्णय लिया वो आज आपसे बेहतर स्थिति में है, और आज भी आप निर्णय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कम समय में बेहतर तैयारी, इस बैच में केवल आप जूनियर असिस्टेंट का ही पढ़ेंगे, बाहर की एक चीज नहीं पढ़ेंगे, उसी को ओरिएंटेड होकर आपको ये बैच पढ़ाया जा रहा है, उन्हीं पेपर्स को ध्यान में रखें, उसी लेवल को ध्यान में रखें, नोट्स पूरा
कक्षाएं डेली आपको मिल रही हैं, 6 से 7 कक्षाएं आपको डेली मिलती हैं। 2 क्लासेज हिंदी और रीजनिंग की लाइव होती हैं, बाकी सारी कक्षाएं टीचर रिकॉर्ड कराता है, समय कम लगे इसलिए तुरंत आपको रिकॉर्डिंग देता है, और जब टीचर को लगता है कि लाइव होना है तो सारे टीचर आपके लाइव होते हैं। बच्चे पूर्णतः संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जैसे उन लोगों ने कहा कि वैसे सर बैच पढ़ाइए, वैसे ही हम लोग बैच पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिस और रिवीजन अभी बाकी है, हम लोग तेजी से प्रैक्टिस और रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो क्लासेज हैं, अगर आप बैच में आते हैं तो क्लासेज आपको पूरी प्रोवाइड हो जाएंगी, वो ऑलरेडी वहां पे पड़ी हुई है, आप आराम से पढ़िए, आराम से देखिए, और इतना समय है मैं फिर वादा कर रहा हूं कि तैयारी होगी। करंट अभी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, और करंट की क्लासेज उसमें मैं शुरू कर रहा हूँ, रीजनिंग की प्रैक्टिस मैं शुरू कराने चल रहा हूँ, हिंदी की प्रैक्टिस भी शुरू होने वाली है, और विषयवार सभी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। तो अभी भी अगर आप जो है आते हैं तो उतने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे जितने प्रश्नों में आपको चयन लेना है, क्योंकि मेजर पोर्शन अभी आपका रुका हुआ है। एक और बात मैं कह दूं, कैसे आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, नीचे स्क्रॉलिंग में लगातार जो है देखिए मैसेज चल रहे हैं। अगले 2 या 3 दिन ही हम प्रवेश प्रक्रिया को खोले हुए हैं, क्योंकि इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया को खोल पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा और कम समय वाला बैच है, तो बार बार फिर जो है प्रवेश प्रक्रिया को खोल पाना संभव नहीं हो पाता। जो लोग आ रहे हैं लगातार फोन कर रहे थे, जो दबाव था उसके लिए 3 दिन हम लोगों ने प्रवेश खोला है, और प्रवेश खुला हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको अपने मोबाइल में सेव करिए और एंट्री जे लिख के आप भेज दीजिए, या नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप फोन करके भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। जैसे इस व्हाट्सएप पर आप एंट्री जे लिख के भेजेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे मैसेज एंट्री जे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप हमारे बैच से जुड़ जाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक सूचना थी उन लोगों के लिए कि जो लोग लगातार हमको फोन कर रहे थे उन लोगों तक हमें अपनी बात पहुंचानी थी। फिर से हमारा आकलन और आपका भरोसा बिल्कुल सटीक निकलेगा। 30 नवंबर की तैयारी में एक तरीके से आप जुड़ जाइए। मैं 100% तो कोई चीज़ नहीं कहता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको मानते हुए अभी भी आपके पास पूरे 20 से 25 दिन का समय बाकी है, और इतने समय में 2 बार जूनियर असिस्टेंट की तैयारी की जा सकती है, एक बार तो बात अलग। हम तैयार हैं, हम करवा रहे हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी प्लानिंग तैयार है, बस आपके निर्णय लेने की ज़रूरत है। आप निर्णय लीजिए, आपको स्वयं पढ़ना है, हमारे साथ पढ़ना है, बस आप पढ़िए। सभी जूनियर असिस्टेंट देने वाले परीक्षार्थियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। बैच में पढ़ रहे जो है जो सदस्य हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपके विश्वास पर निश्चित रूप से खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।